दोस्तों ये वीडियो चालू करने से पहले आपको बोल दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो फोन के साथ पहली बार काम कर रहे हैं या फिर ज्यादा टेक एक्सपर्ट्स नहीं है। तो अगर आपको फोन के बारे में सब कुछ मालूम है, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। फिर भी मैं कहूंगा अगर टेक एक्सपर्ट भी होंगे तो जरूर देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब नया फोन लेते हो तो आपने 10-12 चीजें क्या करनी चाहिए, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल हेल्प यू थ्रू आउट योर स्मार्टफोन जर्नी। मतलब आप जब स्मार्टफोन लोगे तो अगर ज्यादा दिन तक रहना है, अच्छी तरह से रखना है, तो आपको क्या क्या करना होगा सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि हमारी वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों जब आप सबसे पहली बार कोई फोन लेते हो नया, लेट्स से यू हैव मूव्ड फ्रॉम फीचर फोन टू अ स्मार्टफोन, या फिर आप एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन पे मूव होते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इट इज नॉट द हार्डवेयर, इट इज आपका जो डेटा होता है पहले स्मार्टफोन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफर करना। तो हमेशा याद रखिए, जब आप स्पेशली एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो गूगल पे बैकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, ये जो बैकअप होता है बेसिकली आपका जो गूगल का ईमेल आईडी होता है, जब आप एंड्रॉइड फोन नया लेते हो तो ईमेल आईडी जो डालते हो गूगल का, उस अकाउंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो पुराने इस पे आप बैकअप लीजिए, नए पे भी आप गूगल का जो अकाउंट है वो रजिस्टर कीजिए और वो बैकअप डाउनलोड कीजिए। इसका मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, फोटोज, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप डाउनलोड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरे पास वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा नहीं है, वाईफाई नहीं है, ऐसा कुछ होगा, तो देर आर लॉट ऑफ अदर एप्स, जैसे वन प्लस स्विच होता है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, दोनों फोन पर आपको वो ऐप्स इंस्टॉल करने होंगे। मैं एक दो ऐप्स के लिंक्स दे देता हूँ, आप डायरेक्टली फोन टू फोन ट्रांसफर भी कर सकते हो, बट गूगल बैकअप इज नेसेसरी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझिए, अचानक आपका जो फोन है वो गुम गया तो आप क्या करोगे, आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा। दोस्तों नया फोन जब लेते हो तो सबसे पहले आप देखते हो, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट सेंसर है या नहीं। याद रखिए, फेस अनलॉक जो है ये सिक्योरिटी फीचर नहीं है, ये हमेशा बोलता हूं, ये कंफर्ट फीचर है कि भाई इजीली आप ओपन कर पाओगे। लेकिन कोई भी, बहुत सारे फोन ऐसे होते हैं जो इनसिक्योर होते हैं फेस अनलॉक को लेके, तो आपका पिन पैटर्न या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फिंगरप्रिंट सेंसर भी करते हो रजिस्टर, तो एक ही उंगली का मत कीजिए, दो उंगली का कीजिए। समझिए आपको कुछ उधर जख्म हो गया या और कुछ ऐसे हो गया, आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप दूसरा जो फिंगरप्रिंट है वो इस्तेमाल कर पाओगे। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट इंपॉर्टेंट थिंग्स, फेस अनलॉक पे निर्भर मत रहिए। वैसे ये चीज सभी को पता है और सभी करते हैं, फिर भी कहता हूं कि जो टीपीयू केस, आजकल सभी फोन्स में टीपीयू केस आती है, एटलीस्ट एट द स्टार्ट आप उसे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पहले एक दो दिनों में ही अगर फोन गलती से हाथ में गिर गया और क्रैक वगैरह आ गया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो केस के साथ ही थोड़े दिनों के लिए इस्तेमाल कीजिए, गेट यूज टू द फोन, उसके बाद में आपकी मर्जी, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज केस। दोस्तों एक बार आपने फोन चालू कर दिया, अकाउंट वगैरह सेटअप कर दिया, तो एक ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल करने से पहले ही फाइंड माय फोन, ये भी गूगल का ही ऐप है। ये क्या करता है, क्योंकि एक बार आपने बाकी के ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करने लग गए, आप यूज करने लग गए फोन, तो भूल जाते हो। फाइंड माय फोन बेसिकली आपको बचाता है आपका फोन किधर गुम गया, रह गया, तो फाइंड करने के लिए कि कहीं कहां पे है फोन। नाम ही है उस ऐप का फाइंड माय फोन, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, हमेशा आपको दिखेगा चोरी हो गया, गुम गया, उसके अगेंस्ट बहुत फायदा होगा इसका। और एक चीज आप भूल जाते हो, IMEI नंबर आप फिजिकली रखिए कहीं पे। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब गुम जाता है या कोई चोरी करता है तो IMEI नंबर सबसे पहले टेलीकॉम ऑपरेटर पूछता है आपसे, तो ये जो है ये आपको इजीली मिल जाता है। दो होते हैं, डुअल सिम होते हैं, आपके डायलर में जाइए *#06# ये टाइप कीजिए, दोनों भी जो है वो उसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अपलोड कर दीजिए गूगल क्लाउड में, तो इट विल ऑलवेज बी सेफ एंड यू कैन एक्सेस इट व्हेन यू डोंट हैव योर फोन। दोस्तों और एक चीज, जब नया नया फोन आता है तो आपने करनी चाहिए, सबसे पहले चालू होने के बाद बैटरी लेवल्स कितने हैं ये देखने चाहिए। बैटरी अगर 50% से कम होगी तो उसे चार्ज कीजिए। दूसरी बात, लोग जब नया लेते हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बैटरी बहुत जल्दी नीचे आ जाती है और कहते हैं नहीं इसकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं दोस्तों, लेट इट यूज, मतलब 10-12 साइकल्स हो जाने दीजिए, उसके बाद में बैटरी जो है ऑप्टिमली फंक्शन करने लगती है। तो सबसे पहले प्रॉपर चार्ज साइकल्स होने दीजिए, उसके बाद में आपकी बैटरी की लाइफ देखिए। लेकिन सबसे पहली बार
थोड़ा चार्ज कीजिए 80-90% तक या 100% तक, उसके बाद में यूज़ करना चालू कीजिए। और हाँ दोस्तों, बैकअप के लिए बता रहा हूँ कि जब नए फ़ोन पे हो तो हमेशा सिंक ऑन रखिए, आपके फ़ोटोज़ का वीडियोज़ का मत कीजिए अगर आपको ज़्यादा डेटा इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, ये सब जो चीज़ें होती है उसका सिंक ऑन कीजिए। इसका मतलब आपने नया कॉन्टैक्ट कोई ऐड कर दिया, इमीडिएटली वो सिंक हो जाएगा क्लाउड के साथ, गूगल क्लाउड के साथ, और आपके जो कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस वगैरह जो इंपॉर्टेंट है सब सेफ रहेंगे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है आप नए फ़ोन लेते हो, अलग ब्रांड का फ़ोन लेते हो, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द लॉन्चर, जो लॉन्चर होता है, जो यूआई होता है उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते हो, तो बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी लॉन्चर्स हैं अच्छे, वो आप इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मैं कुछ के लिंक्स नीचे दे रहा हूँ, लेकिन पोको लॉन्चर फॉर एग्जाम्पल या फिर नोवा लॉन्चर, ये सब जो है बहुत पुराने हैं, लोगों ने यूज़ किए हुए हैं एंड ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। तो अगर जनरली यूआई अगर आपको अच्छा लगा तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको यूआई इसका अच्छा नहीं लगता है तो नया लॉन्चर आप यूज़ कर सकते हो, विच विल लुक एंड फील जो है आपके फोन का वो चेंज हो जाएगा उसकी वजह से। और एक चीज, नया फोन लेने के बाद दोस्तों जब आप कनेक्ट करते हो वाईफाई या मोबाइल डेटा को, देखिए अपडेट है क्या, अगर अपडेट है तो जरूर अपडेट कीजिए, स्पेशली जो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं। हम पूछते हैं कि भाई एंड्रॉइड 9 से एंड्रॉइड 10 आया क्या, या फिर कैमरा के कोई फिक्सेस आए क्या। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट होता है वो है सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी फिक्सेस क्या होते हैं, बेसिकली बैकडोर्स या लूपहोल्स जो होते हैं आपके फोन में, जो हैकर्स यूज कर सकते हैं, उन्हें ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं या फिर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं दोस्तों, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उन्हें प्लग करते हैं, बंद करते हैं। तो अपडेट करना बहुत जरूरी है टू कीप योर फोन सेफ। एक चीज दोस्तों, बहुत सारे फोन्स में आजकल ब्लोटवेयर्स आते हैं, सबसे पहले उन्हें इंस्टॉल कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल नहीं अनइंस्टॉल कीजिए। जी हाँ, स्पेशली ये जो चाइनीज फोन्स होते हैं इसमें कैमरा 360 और ये सब ऐप्स होते हैं, डू नॉट यूज देम। सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि कहाँ पे आपका डेटा जाएगा आपको पता नहीं चलता है। जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए, एटलीस्ट जो आपको पता नहीं है या फिर ऐसे कुछ ऑड नाम से है अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप होगा, फेसबुक होगा, फेसबुक नहीं, फेसबुक लाइट इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक भी अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपकी बैटरी प्रोसेसिंग सब खाता है वो। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जब आप नया फ़ोन लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके साथ कुछ वक्त बिताना एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर फोन कैन डू, आपका फ़ोन क्या क्या कर सकता है। और सबसे बेस्ट चीज़ यही है, सेटिंग्स में जाइए, हर एक मेनू, सब मेनू, सब मेनू में जाइए और देखिए क्या होता है। अगर आपको कुछ पता नहीं चलता है तो ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको आपका फोन पूरी तरह से, अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, यू शुड गेट टू नो योर सॉफ्टवेयर ऑन योर फोन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक दो घंटे निकालिए, पूरे सेटिंग्स में सब फीचर्स वगैरह देखिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चल जाएंगी आपके फ़ोन के बारे में। एंड फाइनली दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप नया फ़ोन लेते हो, कभी कभी ऐसे होता है कि देर आर सर्टन फॉल्ट्स, तो जब आप इस्तेमाल करते हो पहले एक दो दिन में ध्यान से देखिए, आर यू सीइंग एनी बग्स, या आपको ऐसे कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर लग रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो सीधा इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए, या तो सर्विस सेंटर में जाइए या फिर सीधा रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि ऐसे होगा नहीं, 99% टाइम्स नहीं होता है, लेकिन 100 में से एकाधी केस ऐसी होती है कि इट इज़ अ फॉल्टी यूनिट। ये आपको जल्दी पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैंने कहा आपको कि एक्सप्लोर कीजिए आपका फोन और उसके साथ वक्त बिताइए, आपको पता चल जाएगा इमीडिएटली कि आपका फोन ठीक ठाक है, अच्छा है या नहीं। तो दोस्तों यही बताना था, ये थोड़ा एक बेसिक था, एक ओरिएंटेशन था कि भाई आप जब नया फोन लेते हो तो आपने क्या क्या करना चाहिए। होपफुली दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया, एंड आई एम होपिंग कि इसकी वजह से आपका फायदा भी होगा। वैसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।